हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दाऊद इब्राहिम कराची में है। भांजे अलीशा पारकर ने ईडी को पूछताछ में ये बताया है। मुंबई माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम को लेकर उसके भांजे अलीशा पारकर ने बड़ा दावा किया है। अलीशा ने ईडी द्वारा की गई पूछताछ में कहा कि दाऊद पाकिस्तान के कराची शहर में है, पर हमारा परिवार उसके संपर्क में नहीं है। अलीशा दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का बेटा है। उसने ईडी को यह भी बताया कि उसका परिवार दाऊद के संपर्क में नहीं है। दाऊद की पत्नी महजबीन त्योहारों के दौरान अलीशा की पत्नी और बहनों से संपर्क करती है। ईडी दाऊद इब्राहिम से जुड़ी संपत्तियों की खरीद फरोख्त से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की मामले की जांच और उससे संबंधित लोगों से पूछताछ कर रहा है। इसी से जुड़े मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक भी जेल में है। दाऊद इब्राहिम मुंबई बम धमाकों और कई आतंकी घटनाओं के सिलसिले में भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए वांछित है। पिछले कई सालों से सामने नहीं आया है। ईडी इसी मामले में पूछताछ जारी रख रही है। उसके कभी दुबई में तो कभी कराची में होने के दावे किए जाते हैं। भारत में फैले उसके अवैध कारोबार पर पिछले सालों में लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। मुंबई में उसकी संपत्तियों को जब्त कर नीलाम किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मामलों में यूएन की आतंकी सूची में दाऊद इब्राहिम शामिल है। भारत ने उसे भगोड़ा घोषित कर रखा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अनुसार दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान के रावलपिंडी और कराची के पते पर कई पाकिस्तानी पासपोर्ट भी जारी किए गए थे। यूएन की आतंकियों की सूची के अनुसार कराची के नूराबद इलाके में दाऊद का आलीशान बंगला भी है। जागरूक टीवी के लिए मुंबई से खास रिपोर्ट।